रुकते कहाँ है जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोटी जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे, आज यहाँ कल कहाँ बसते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। इसे जानते हैं आप? ये परमो है। परमो? हाँ परमो, जानते हैं आप इसे? बस इतना ही कि जब मैं गिरा था ये वहां आ गई थी, मुझे जख्मी देख तुरंत मेरी मदद के लिए गांव की ओर चली गई थी। हाँ मुझे याद है, यही थी। आपको जख्मी करने वाली? नहीं, मेरे लिए मदद जुटाने वाली। आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरे जख्मी होने में आप इन्हें बार बार क्यों बीच में घसीट रहे? इसलिए कि ये सुजानपुरा है, यहाँ के पत्थर बहुत चंचल और दिलफरेब हैं, अक्सर पैरों के नीचे आ जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो आप सब सोच रहे हैं, मुझे किसी ने जख्मी नहीं किया है और इन्हें तो मैं जानता तक नहीं। ठीक है, मैंने तो आपको सुजानपुर की फितरत से आगाह किया है, जब तक यहाँ रहें ध्यान से रहें। लीजिए यहाँ साइन कीजिए। अच्छा चलता हूँ। और हाँ सुजानपुर के पत्थरों से जरा बच के रहिएगा, बाकी पसंद आपकी। अच्छा अच्छा तुम लोग भी यहाँ आए हो हैं? भाई परवेश ये काम तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस हालत में देखा तो रहा नहीं गया। बड़ा तेज लौंडा है ससुरा, घाट घाट का पानी पिया लगता है। अरे तुमने कभी सुना होशियार सिंह से किसी ने मजाक किया हो? इंस्पेक्टर साहब क्या आपके साथ उसने? नहीं नहीं भैया, मेरे साथ मजाक करके मरेगा क्या? हाँ। या तो भैया वो नहीं या उसकी जुबान नहीं। वो बैठी थी। वो कौन? अरे वही परमो। ओ बड़ी तेज नागिन है, गुजर जाती है लेकिन लकीर नहीं छोड़ती। खैर भैया बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज खैर नहीं थी, पर तुमने ऐसा क्यों कहा था? परबू तो ये नाम है तुम्हारा सुजानपुरा में? बात को मोड़ो नहीं, क्यों नहीं बता दिया तुमने होशियार सिंह को कि मैंने ही तुम्हें पत्थर मारकर घायल किया था? मैं ही कसूरवार थी। क्यों कहा था तुमने कि तुम मुझे जानते तक नहीं? आवेश में उठाया हुआ कदम अपराध नहीं होता परमू, और जिस कदम के पीछे पश्चाताप जुड़ा हो वो तो अपराध हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हर एक बात उलझी हुई होती है, तभी तो मेरी समझ में नहीं आती।
आज भी नहीं? नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा मुझे सचमुच चोट पहुंचाने की होती तो तुम यहां कभी नहीं आती। पश्चाताप का पुरस्कार सजा नहीं है परमो। यही वो बातें हैं तुम्हारी जिनके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो इसका मतलब तुम उन बातों के बारे में सोचती जरूर हो? हाँ, नहीं नहीं, भला मैं क्यों सोचने लगी? ठीक है, ना सोचा करो, पर एक बात बताओ, तुम्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है। मुझे लगता है मेरा बरसों का प्रयास मुझे विजयी बना देगा। तो मैं क्या समझू, मैं जीत गया ना? तुम जीत गए हो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन परमू हार गई है। सच आज के बाद वही होगा जो तुम कहोगे। सच? एक बात पूछूं? हाँ बोलो। यहाँ अस्पताल में खाने पीने का इंतजाम नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं घर से खाना ले आऊं? हाँ ठीक है, ले आओ, पूछ क्यों रही हो? तुम्हें तो मालूम है मैं कैसी औरत हूं, मेरे हाथ का छुआ खा लोगे? जब ये माथा तुम्हारे हाथ का पत्थर खा सकता है तो क्या ये पेट तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा सकता? अच्छा, तो अभी तक भूले नहीं हो? तो क्या भूल जाऊं? नमस्कार, आइए आइए बैठिए। कहीं आप वही लोग तो नहीं हैं जिनका जिक्र अभी डॉक्टर उस्मानी करके गए हैं? जी, मैं चंद्रभान, ये मेरे मित्र परवेज। आदाब। आदाब। समझ में नहीं आ रहा किस तरह आप लोगों का धन्यवाद करूं। क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब, वो तो हमारा फर्ज था। क्यों चंद्रभान, भाईजान इंसानियत भी कोई चीज है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। डॉक्टर उस्मानी कह रहे थे कि 4-6 दिन अभी यहीं रुकना होगा। तब तो मुलाकात होती रहेगी। यकीनन। आप परमू को जानते हैं? चंद्रभान जी, ऐसा क्या है उसमें जो हर एक उसके साथ मेरे परिचय की पुष्टि चाहता है? कुछ दिन आप यहाँ रहेंगे तो सब समझ जाएंगे। परमू को जानते हैं आप? हाँ शायद, हाँ भी और नहीं भी। बड़ी अजीब बात है, छोड़ो ना चंद्रभान। नहीं नहीं, सवाल किया है तो जवाब मिलना ही चाहिए। मैं उन्हें किसी और परिचय से जानता हूं, वो परमू है या जी जाना है। मुझे पता था तूने सूरज को संभाल लिया होगा। पहले ये बता, तू थी कहाँ अब तक? इसने तुझे तंग तो नहीं किया ना? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू थी कहाँ अब तक? अस्पताल में। अस्पताल में उस बाबू से मिलने? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुधर गया है। अच्छा ठीक है, तू संभाली से मैं चलती। नहीं मेरी बन्नू, तू बैठ, मुझे भी बहुत काम है, तू इसे संभालेगी तभी तो मैं निपटा पाऊंगी ना। ओहो, आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे? खाना बनाना है उस बाबू के लिए? हाँ। तेरा भेजा तो नहीं फिर गया है? एक पूरे सुजानपुरा में तू ही बची है अकेली। अब अगर मेरे कहने पर उसने हाँ भर दी तो क्या मैं मना कर देती? पत्थर पड़ गए हैं तेरी अकल पर। अरे तूने कुछ सोचा है? मैं अभी कुछ नहीं सोचा इस बारे में। चंद्रभान जी, आप ही कुछ बताइए ना सुजानपुरा के बारे में। बस वैसा ही है जैसा और गांव होता है, विकास और प्रगति का इंतजार है। ऐसे क्यों कह रहे हैं चंद्रभान जी? विकास के नाम पर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है यहाँ जो सुजानपुरा की काया पलट सके। हाईवे से लगा जरूर है पर तरक्की के नाम पे कुछ नहीं। क्या आप लोगों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया? कोई रास्ता दिखाने वाला तो होना चाहिए। कोई बागडोर संभालने वाला
एक तो होना चाहिए। आप किन ख्यालों में गुम है जनाब? तकलीफ कुछ ज्यादा है क्या? नहीं, यूं ही जरा कुछ सोच रहा था। अब ज्यादा सोच विचार का टाइम नहीं है। जाने से पहले एक बार और सोच ले परमू, तू जो कर रही है वो ठीक भी है या नहीं? मैंने सोच लिया है, अच्छी तरह सोच लिया है। चल तू ऐसा कर, सूरज को अपने साथ ले जा, आकर मैं वापस ले आऊंगी। तो तू नहीं मानेगी, तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, तेरे मन में जो आता है वो कर, मैं सूरज को लिए जा रही हूं। अच्छा राघव बाबू, अब चले। चलते कहाँ हैं? बैठिए ना, आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं जनाब, अब तो चलना ही होगा, आप भी आराम कीजिए, बहुत वक्त लिया आपका। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सुजानपुरा से आप लोगों ने मेरा परिचय कराया, इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब? राघव बाबू, आप कहें तो आपकी कार अस्पताल के कंपाउंड में लाकर खड़ी कर दें। चंद्रभान जी, अगर आपके उन होशियार सिंह जी ने इजाजत दे दी हो तो। जी हाँ, उनसे पूछ लिया गया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तब फिर ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। ठीक है, तब चलते हैं। चंद्रभान जी, आते रहिएगा, अगर आप लोगों के काम में कोई नुकसान ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तू कहाँ है सुबह से? ये सूरज तेरे पास क्या कर रहा है? और परमू कहाँ है? वो सब छोड़, तू ये बता तुझे काम क्या है? अरे वो जो तुझे जयपुरी लहंगा चोली दिया था ना, उसे ही लेने आई हूँ। बहुत दिन हो गए उसे धंधे पे नहीं पहना। देख, कुछ टाइम के लिए काम धंधा छोड़ दे। जो उस रात परमू ने शहरी बाबू को पत्थर मारा था ना, हाँ, वो अस्पताल में पड़ा है। उए माँ, तब क्या? परमू उसके लिए खाना लेकर गई है अस्पताल, और मेरे पास इस सूरज को छोड़ गई है। देख, कोई पुलिस पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? ये मुझे पता नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चल मैं भी चलती हूँ। चल। अरे अरे, ये सब क्या है? तुमने बेकार में ही तकलीफ की। इसमें तकलीफ की क्या बात है? अच्छा, खाना अभी खाओगे या फिर थोड़ा रुक कर? नहीं, लगा दो, वैसे कल शाम से पेट में कुछ गया भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं लगा देती हूँ। तुमने कुछ खाया? हाँ, घर में खा लिया था। तुम खाओ ना, रुक क्यों गए? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ पम्मी से परमू में कितना फर्क आ गया है। कैसे? पता नहीं तुम्हारी बातों से मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी औरत छुपी है जिसका पम्मी से कोई नाता नहीं है, परमू से कोई नाता नहीं है, कोई मेल नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, और शायद इसीलिए, क्योंकि वो हर पल अपनी पहचान मुझे आज भी देती रहती है। कौन है वो भला? परमेश्वरी। परमेश्वरी? हाँ, वही है जो पिछले कई वर्षों से आज भी मेरे भीतर जिंदा है। तो फिर मुझे बताओ ना उसके बारे में। इलाहाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूल की 16 वर्ष की परमेश्वरी पढ़ाई में बहुत तेज थी और लाडली थी अपने पापा की। उनका वो छोटा सा परिवार संसार का सबसे सुखी परिवार था, और शायद इसीलिए ये खुशी नियति से देखी नहीं गई। जब परमेश्वरी 10वीं क्लास में पढ़ती थी तो एक सड़क दुर्घटना में
उसके पापा की मौत हो गई। जहां सुख सुविधाओं की कमी थी वहां गरीबी और परेशानियों के शिकंजे कसने लगे। मां ने घर से बाहर कदम रखा और नौकरी करने लगी। दो वक्त की रोटी और परमेश्वरी की शिक्षा जो जुटानी थी, और उन्हीं दिनों कहीं परमेश्वरी के दिल में रुपए पैसे ऐश्वर्य और समाज की चमक दमक में अपनी एक जगह बना ली। परमेश्वरी को वही किस्से कहानियां अच्छे लगते थे जिनमें ऐशो आराम होता और शानो शौकत के परचम लहराते थे। हर वो फिल्म अच्छी लगती थी जिसका हर पात्र किसी राजसी खानदान का होता और रईसी जिंदगी बिताता था। तब तो परमेश्वरी का एकमात्र सपना यही था, वो भविष्य में अमीर औरत बने, बड़े आलिशान घर में रहे, आगे पीछे बहुत से नौकर घूमे, बस बेशुमार दौलत हो उसके पास। मिसेस हेगल, चलो। यस डार्लिंग, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। ओह हाय अंजलि। ओफो मम्मी, टीवी क्यों बंद कर दिया? कितनी अच्छी फिल्म चल रही थी। सर दुख रहा है मेरा। तो दूसरे कमरे में जाओ ना। ये जिंदगी की सच्चाई नहीं है, असली रंग नहीं है ये जिंदगी का। मम्मी प्लीज, देखने दो ना, सारा मजा खराब कर दिया। बहुत बदरंग है ये जिंदगी। ये सब जो तुम देख रही हो ना, ये जिंदगी की सच्चाई से कोसों दूर है। मम्मी आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अपने ऑफिस का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? परमेश्वरी, इस बार भी मुझे निकाल दिया गया, मेरी नौकरी छूट गई बेटा। मम्मी वो कोई नई बात नहीं थी, एक बरस में उन्हें 3 नौकरियों से निकाला गया, कभी अनुभव की कमी और कभी कुछ, बस बहाने बन जाते। एक दिन परमेश्वरी के घर में ऐसे कदम दाखिल हुए जिन्होंने जिंदगी के समीकरण को ही बदल डाला, हर परिभाषा हर अर्थ को बदल डाला। जी है मम्मी, मम्मी आप आइए। मम्मी। सर आप कैसी हो सुजाता? ठीक हूँ, आइए। भाई बहुत ढूंढना पड़ा तुम्हारा घर, बड़ी मुश्किल से मिला है। बैठिए सर। हाँ थैंक यू। सुजाता अब ना ही तुम और ना ही मैं किसी एक ऑफिस में काम करते हैं, और ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जी सर। आह फिर वही सर, ये तुम मुझे बार बार सर क्यों कह रही हो? सुमंत कहो ना। बुरा मान गई। सुजाता क्या हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते? जी खैर सोच कर निर्णय लेना। वैसे मैं यहां दोस्ती निभाने ही आया हूं। तुम्हें तो मालूम ही होगा उस कंपनी को छोड़कर मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। जी मिस्टर कपूर ने बताया था मुझे। अब परेशानी यह है कि इन 2 वर्षों में मुझे अभी तक कोई अच्छा सहयोगी नहीं मिला। आपने कोशिश ही नहीं की होगी। ठीक कहा तुमने, आज वही करने आया हूं। एक मिनट। मना मत करना सुजाता, इसमें एडवांस चेक और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, परसों मुझे ज्वाइन कर लो। अच्छा अब मैं चलता हूं, परसों मिलते हैं, प्लीज ज्वाइन मी।
ओके बाय। भगवान सबकी सुनता है बेटा। अभी मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कौन सा एफडी तुड़वाऊं जिससे मैं तुम्हारी फीस जमा कर सकूं, बाकी खर्चे कर सकूं। भगवान ने इन्हें भेज दिया। पता है मिस्टर सुमंत ने मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पे रखा है सर, और सैलरी है 10,000। सच मम्मी? हाँ, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना? पता नहीं बेटा, ये तो समय ही बताएगा। उस दिन माँ बेटी बहुत खुश थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गरीबी पर तरस खाकर ईश्वर ने किसी फरिश्ते को उनके घर भेज दिया हो। सुमंत के निमंत्रण को सुजाता ने स्वीकार कर लिया। दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगे और परमेश्वरी की माँ ऑफिस स्टाफ की चहेती बन गई थी। उस स्टाफ को लगने लगा था उनके दुख दर्द, आवश्यकताएं और उन्हें समझने वाला उन जैसा ही कोई उनके बीच आ गया था। ये देखिए मैडम, 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 27,000 रुपए के डिफरेंस में हमें मिल गया है। कहीं आप हाईवे मेंटेनेंस के टेंडर की बात तो नहीं कर रहे हैं जो कल खुलने वाला था? हमारे रेट्स लोएस्ट हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। गुड, वेरी गुड। सच, यू आर जीनियस मैडम। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, ये सब तो आपके अनुभव, मार्केट की कॉस्टिंग टेंडेंसी और आपके फीडबैक के बिना तो मैं टेंडर भर ही नहीं सकती थी। मैडम ये आप नहीं, आपका बड़प्पन बोल रहा है। हाँ मिस्टर मल्होत्रा जी, ये गांधीनगर वाले कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं जी। इसमें बैंक गारंटी रिन्यू होनी है। ठीक है, और आज ही ये पेपर नगर निगम के ऑफिस में भिजवाने हैं। ठीक है, मैं आज ही से बैंक गारंटी बनवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ये काम आज ही हो जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अब आपको नहीं लगता कि ये सारे काम आपके सबॉर्डिनेट्स भी कर सकते हैं? ठीक है मैम। ठीक है मैम नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब आप ही बताइए, वरना लंबे समय तक मैं आपकी मदद कैसे ले पाऊंगी? थैंक यू मैडम। अरे भाई, ऐसा कुछ मशवरा हमें भी दे दिया करो। अब आपको कौन मशवरा दे, आप खुद ही एक मशवरा है। अच्छा जी, यानी के इतने खराब हैं हम? अब ऐसा तो नहीं कहा था मैंने। तो जाता, बहुत दिनों से तुम्हें जिम्मेदारी देने की सोच रहा हूँ, कुछ पर्सनल है। जी कहिए। अब कहोगी पहले ही वर्कलोड इतना ज्यादा है, उस पर एक और। आप कहिए ना, क्यों संकोच कर रहे हैं? मैं रामाश्रय को तुम्हारे पास एक डायरी लेकर भेजूंगा, उसमें मेरे फ्रेंड्स के कुछ एड्रेसेस हैं और साथ ही उनकी डेट ऑफ बर्थ। दरअसल क्या है सुजाता, मैं उन लोगों को विश करना भूल जाता हूँ। आपके दोस्तों को कभी आपसे शिकायत रही है कि उन तक आपके विशेष नहीं पहुँचती? नहीं तो, मैं खुद हैरान हूँ, वो जब भी मुझसे मिलते हैं मेरे भेजे हुए कार्ड की बहुत तारीफ करते हैं। आपकी शुभकामनाएं बराबर उनको मिलती रहती है। वो कैसे? सो सिंपल, एक दिन मुझे आपकी डायरी मिल गई, उसमें से मैंने आपके फ्रेंड्स के एड्रेसेस और डेट्स नोट कर लिया। रियली? क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा? सुजाता, मेरी जिंदगी की डायरी भी बड़ी बेतरतीब है, इसे संभाल लो प्लीज। और शायद बेतरतीब डायरी को उसे संभालने वाले हाथ मिल गए थे। जितना परमेश्वरी की माँ सुमन के दफ्तर का ध्यान रखती थी, उतना ही परमेश्वरी के अंकल उन दोनों के घर का ध्यान रखते थे। उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ते ही चले गए। ड्राइंग रूम तक ठिठके कदमों को उस दिन वहां तक बढ़ा देखकर परमेश्वरी खुद ठिठक गई थी। जहां तक उसे उन कदमों के बढ़ने की उम्मीद तक नहीं थी। सच कम सुजाता, कभी कभी लगता है आज हम जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वो सही भी है या नहीं। हमारे बीच जो रिश्ते पनप रहे हैं उनके लिए मैं संजीदा हूं, मुझ पर विश्वास रखना सुजाता। सुमंत,
तुमने तो मेरी जिंदगी का अर्थ ही बदल दिया है। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। सच, एक पल को तो जिंदगी से मोह ही छूट गया था मेरा, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो सब कुछ बदल गया। ऐसे मत करो, कोई देख लेगा। सुजाता, तुम्हें अपने भीतर का डर निकाल देना चाहिए। अगर परमेश्वरी को पता चल गया तो क्या होगा? हमें उससे खुद ही बात करनी चाहिए। हम शादी करने जा रहे हैं, कोई पाप या गुनाह तो नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी उसके हाई स्कूल के बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। नाराज हो गए? तुम समझते क्यों नहीं हो सुमंत, परमेश्वरी अब बच्ची नहीं है। अब तो उसे समझाना और आसान है, हम उससे शादी की जात ले सकते हैं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान ही है, जानते हो इस उम्र में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। घृणा हो जाती है उन्हें अपने माँ बाप से, और ऐसे में वो कुछ भी कर गुजरते हैं। मैं ये सब साइकोलॉजी नहीं समझना चाहता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। रुकते कहाँ है जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम।